Too strong. It's too good. I love it.
Thank you.
बनाए वीडियो वीडियो बनाए हैं चलो रास्ते इधर इधर मेरी मेरी कहाँ तो उधर बैठी ही नहीं तो अरे बना बस कर गया बस कर गया नहीं सर जल्दी उठो मैं पार्टनर बोल रहा हूँ क्या है हीरो पकड़े ध्यान से कोई लड़का है यहाँ पर कोई नहीं हमारा भाई आया है तो खुशी हो रही है अलग लेवल वाली खुशी अलग लेवल वाली खुशी इट्स देख सकते हो सारे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं हाँ Congratulations and celebrations. Congratulations. सबको सबको मेरी वीडियो कौन बनाएगा डाली मामी की वीडियो कौन बनाएगा गिर गिट चलता हूँ
को तो साथ में ले जाएंगे फिर हम लोग साथ में एक मिनट सर आप आगे जाओ ना आगे मैं वीडियो उठा रही हूँ हाँ ठीक है आप खींचो अभी और लगाओ इसको बीच में लाना फायर को बीच में लाना कैमरा के हाँ मार रहे मार रहे पता चलेगा तुझे
तो ये रेंज में वीडियो बनेंगे मैं वो बढ़ाएंगे वाले को अब मैं करती हूँ ये यूज टू शाइनी आपको पता है इनमें से भी मैं कौन सा कलर यूज करती हूँ इसमें ये वाला ओह माय गॉड इसमें ये वाला कलर यूज करूँगी मैं मतलब सनी क्यों नहीं आ रहा यूज करती हूँ मैं कलर सो आपको दिख रही होगा गोल्डन ही वाला ब्लैक रोज साइड अब देख सकते मैं यूज कि सारा सामान लपेटने की बारी इन सब कुछ ऐसे ही फैला कर रख दिया था मैं नहीं कट दिया वन एंड वहाँ पे तो अलग से अभी कचरा एंड ये और ये मैं इसको फाइनली कर लेती हूँ बंद ये अब सोचे मैंने यूज़ नहीं किया मैंने ज़रूर यूज़ किया लेकिन मैंने दिखाया नहीं क्योंकि ये मरून और मरून ये हो जाता है मिक्स तो इसलिए ये गोल्डन आपको दिख ही गया होगा ये सूखा नहीं था क्योंकि इसको नीचे बैठा हुआ ये रियल है इस गोल्डन का भी क्या बात ही कहता हूँ ये अलग है तो एंड ये ग्रीन मुझे अलग से आपको दिखाऊंगी उसका भी नेल पॉलिश तो सारी खुली हुई है यार चलो मैं आपसे सारा लपेटने के बाद मिलती हूँ मैं ये यूज़ करती हूँ ये मरून है तो मैं ये यूज़ करती हूँ उसके बाद मैंने अपनी सारी नेल पेंट सारी निकाल दिया यार आप देख ही सकते हो बिल्कुल क्लियर हो गया तो ये मेरे तो अभी शॉर्ट नेल अगर आपको बड़े नेल चाहिए तो वो भी मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर मेरे पास ये तीन कलर है ग्रीन मरून एंड गोल्डन एंड ये मेरे सारे फेवरेट कलर हैं मैं आपको दिखाती हूँ इस टू प्रीटी मैं हाथ पर फिलहाल ये मरून वाला करूँगी एक यूज़ मरून एंड आई यूज टू गोल्डन तो मैं ये यूज़ करूँगी क्योंकि मतलब ये शायद ख़त्म हो गया कि क्या हो गया पता नहीं गाइस मैं देख लेती हूँ उसके बाद में मैंने काफ़ी टाइम से ये यूज़ नहीं किया है तो इसलिए शायद ये ख़त्म भी हो सकता है लेकिन ये पता नहीं है तो मरून वाला तो फिर भी इसके अंदर भर गया क्योंकि मैंने न्यू लिया है तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ अस्सलामुअलैकुम गाइस वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज एंड फूड आज मैं आपको बताती हूँ अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन बहुत ही सिंपल और इजी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है ज़्यादा हैवी कुछ नहीं है और ये मेरी डेली स्किन केयर रूटीन नहीं है हफ्ते में दो बार करना है ये कई सबसे पहले मैं ये यूज़ करती हूँ ज़ारा का पपाया फ्रूट फेस स्क्रब जो कि बहुत अच्छा है मतलब फेस धोने के बाद वॉश करने के बाद जो इसका वो स्मूथनेस रहता है ना फेस पे वो बहुत अच्छा है एंड मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आप भी इसको बाय करना और ये मेरा पहला स्टेप है तो उसके बाद स्टेप टू में मैं लगाती हूँ ज़ारा का सेम पपाया फ्रूट फेस पैक जो कि बहुत अच्छा है मतलब मैं क्या बताऊँ मतलब ये जो ब्रांड ज़ारा वगैरह ज़ारा ब्यूटी मतलब बहुत अच्छा ब्रांड है आप ये यूज़ करना नेक्स्ट स्टेप आपका ये है स्टेप टू तो इसके बाद हमें फेस वॉश करने के बाद हमें लगाना है ज़ारा का रोज़ वाटर जो मैं सब कर रही हूँ यूज़ वो सारे ज़ारा के हैं तो उसके बाद हमें ये डालना है रोज़ वाटर अपने फेस पर तो ये भी बहुत अच्छा है मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्लियर स्किन रहती है इससे तो नेक्स्ट तीसरा स्टेप इसका ये है नेक्स्ट है हमारा ज़ारा का पपाया फ्रूट फेशियल जेल ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको ये यूज़ करनी होगी तो आप ज़रूर यूज़ करना तो मतलब ये बहुत अगर आपकी ड्राई स्किन है आप यूज़ कर सकते हो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये और ये ज़्यादा मतलब ये बहुत वो मॉइस्चराइज जैसा मतलब आपके फेस को बहुत वो जेल टाइप चिपचिपा वगैरह कर लेता है तो मैं अगर ये यूज़ करती हूँ मैं इसके बाद फेस वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा चिपचिपा टाइप नहीं चाहिए होता है फेस पर मैं ये एक या दो घंटे में मैं इनको धो लेती हूँ तो नेक्स्ट ये हमारा फिफ्थ स्टेप आता है मुझे पता नहीं कौन सा स्टेप में ये गाइस मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ नोज पोर स्ट्रिप्स तो अगर आपके नोज पर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो इसमें रूरल 10 स्ट्रिप्स होते हैं तो ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होता है इसको निकालने में बहुत दर्द होती है लेकिन जो आपके फिर नोज पे कुछ भी नहीं रहेगा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कुछ भी नहीं रहता और ये मेरा सिक्स स्टेप है तो ये आता है
उसके बाद मैं लगाती हूँ गार्नियर का प्योर चारकोल फेस सीरम मास्क, जो कि मैं हफ्ते में 2-3 दिन बार लगाती हूँ। मतलब ये हमारे मेरे चेहरे पे तो चारकोल सूट करता है, आप पे क्या करता है? चारकोल मेरे को लगता है हर चेहरे पे सूट करता है, हर स्किन पर, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये स्टेप आता है 7 मेरा, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये ठीक रहता है पिंपल्स वगैरह जो भी आपके फेस पर दाने हो छोटे छोटे, मतलब इसको लगाने के बाद अगले दिन जब आप उठोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आता है मेरा चारकोल सिरम, मतलब चारकोल फेस मास्क के बाद मैं लगाती हूँ ये। तो ये सिरम जो है ये बहुत अच्छा है, मतलब ये गोल्ड सिरम है इसका नाम। तो आपको ये अभी स्किप भी कर सकते हो पार्ट, क्योंकि जो हमारा ये प्योर चारकोल ब्लैक सिरम मास्क है तो उसमें पहले से सिरम उसमें बोल के रखा है, तो अभी स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि ये मैं डेली लगाती हूँ, तो ये मेरी रूटीन में डेली होता ही है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। तो हम उसको लगाने के बाद, जो गोल्ड सिरम होता है उसको लगाने के बाद मेरा फेस बहुत ड्राई हो जाता है, उससे हो जाता है ऑलमोस्ट। और जब ये देख रहे हो ना, बहुत छोटी सी बॉटल आती है, क्यूट सी होती है ये, तो ये मैक की है। और ये जो होता है ये ऑयल, मतलब जिससे मेरा फेस तो ड्राई है, अगर आपका फेस पहले से ऑयली है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। जिसका फेस ड्राई है उसके लिए तो मैं बता रही हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने पूरी ख़त्म भी कर ली है थोड़ी सी। ये मेरा मालियो का लिप स्लिपिंग मास्क है, तो ये मास्क होता है लिप्स का, सोने से पहले लगा लो, आपके होंठ फटे हो जो भी हो, मतलब बहुत अच्छा यूज़ होता है ये। इसके साथ हमें एक ब्रश मिलता है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्रश। तो गाइस इसका ब्रश होता है, मैं तो इससे यूज़ करती हूँ, तो ये इसका ब्रश इसके साथ मिलता है। अगर आपको मेरी स्किन केयर रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, और आपको बताना मेरे को कमेंट में आपको नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मेरे को जाना है अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, और मैं हो गई हूँ लेट, और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या ड्रेस पहनूँ। तो अब मैं आपके साथ, मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी से मैंने क्या पहनना है और मैंने क्या करना है। मैंने आपको अपना सिंपल सा जल्दी सा मेकअप भी दिखाती हूँ मैं कैसे करूँगी क्या करूँगी, और जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं बताती हूँ आपको मैं क्या पहनूँगी, कोट पहनूँ लॉन्ग कोट या देखती हूँ। तो गाइस ये मेरी तो पहली ड्रेस है, तो मैंने कहीं पहनी नहीं है, ये तो मेरी मैंने नई ली थी, तो मैंने पहनी तो ये कहीं पर भी नहीं है। ये फ्रॉक है, लेकिन जो ये लगाने के बाद जो लगता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैं पहन के दिखाती हूँ आप। तो गाइस ये मैं वेयर करती हूँ, तो उसकी थीम भी कुछ ब्लैक में ही थी, तो मैंने सोचा मैं ब्लैक का ही पहनती हूँ ये। तो ये लगाने के बहुत बहुत अच्छा लगता है यार, मैं क्या बताऊँ। इसके नीचे मैं लूज पहनूंगी, फ्लेयर या कुछ, क्योंकि इसके नीचे मैं स्लैक्स या कुछ और पहनती तो वो उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसके नीचे कुछ लूज लूज पहनूंगी, देखती हूँ क्या पहनती हूँ। सो मैं इसके साथ ये एक फ्लेयर टाइप पजामा पहनती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है यार ये। तो गाइस मैं फिर से इन वालों के साथ आ गई हूँ, मैं यही पहनती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ना किसी के हिसाब से मैच हर किसी के साथ हो जाते हैं, और ये मेरे को मेरी मम्मा ने गिफ्ट करे हैं, तो मैं ज़्यादा यही पहनती हूँ, और ये मेरे फेवरेट है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा मैच करेगा इसके ऊपर ये। डन, और ये मेरा हो चुका है, मैंने ये इयररिंग्स भी रख लिया और वो भी रख लिया, मेरा आउटफिट तो डन हो चुका है। अब मैं आपको अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन दिखाती हूँ उसके साथ में, और मैं अपना मेकअप दिखाती हूँ जल्दी जल्दी और फास्ट फास्ट। तो ये तो मेरा हो गया है डन, ये मेरा पूरा फुल आउटफिट होगा। मेरा जो हो चुका है वो ड्रेस फाइनल हो चुका है, मैं क्या पहनूंगी, और मैं आपको अपना जल्दी मेकअप दिखाती हूँ, तो जो मैं क्या क्या करती हूँ, मैं क्या क्या यूज़ करूँगी जल्दी फटाफट, क्योंकि मेरी फ्रेंड के मुझे पैसे 3 मिस कॉल आ चुके हैं, तो जल्दी कर। सबसे पहले मैं ये रोज़ वाटर यूज़ करूँगी ज़ारा का, जब मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन सिरम, एंड फिर मैं यू यूज़ करती हूँ मैं मालियो की सनस्क्रीन, जो कि मेरे फेस पे बहुत तरीके से सूट करती है, देख सकते हो। तब मैं यूज़ करती हूँ ये आईलाइनर, तो एंड फिर मैं अपना हाइलाइटर यूज़ करती हूँ अपने इस छोटू से एंड इस मरमेड ब्रश से, ये मेरे को बहुत पसंद है यार। फाइनल टच तो लिपस्टिक से ही होता है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबके लिए है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ।
गाइस ये हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है और ये न्यूड कलर है एंड इट्स माय फेवरेट, तो आप देख सकते हो। फिर आती है बारी परफ्यूम की, तो मैं ये परफ्यूम यूज करती हूँ। गर्ल्स आपको ये कैसा लगा मिनी व्लॉग, अगर आपको पसंद आएगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो मेरे को और आपको कैसी नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे जरूर कमेंट करके बताना। आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा। अब तो हम अपना गेस लगाते हैं कि आपको क्या मतलब कंटेंट दें, आपको क्या जिसमें आपको मजा आएगा देखने में। तो मैंने ये थोड़ा सा छोटा सा मेरा मिनी व्लॉग था, आउटफिट एंड विंटर आउटफिट था ये। तो बस ये मैं इतना ये मेकअप यूज करती हूँ, मेरा स्किन केयर ये होता है, ये वीडियो में साथ में ही डालती हूँ। सो बाय बाय गर्ल्स। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाज़िर के एट ऑफिशियल JKAC न्यूज़, बदरवा टीवी और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो नाज़रीन आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर सुनाने जा रहे हैं, वो ये है कि ये जो आप नौजवान देख रहे हैं 13 साल का नौजवान जिसका नाम मोहम्मद जायद खान है, इनके फादर का नाम है नसीर अहमद खान, नवाबाद चक्का बदरवा के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे न सिर्फ बदरवा बल्कि पूरा जिला डोडा इस वक्त खुशी से झूम रहा है। नाज़रीन आपको बताना चाहूंगा कि एयर राइफल में इन्होंने जम्मू कश्मीर में टॉप किया है, जम्मू कश्मीर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अंडर 17 कैटेगरी में। मध्य प्रदेश में ये कॉम्पिटिशन हुआ था और जम्मू कश्मीर की तरफ से इन्होंने टॉप किया है और इनकी फैमिली आप देख रहे हैं, और ये इस वक्त खुशी का मकाम है इनकी फैमिली के लिए भी है, बदरवा के लिए भी है और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए भी है। तो नाज़रीन आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम जैद से पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है इनको। जैद कैसा लग रहा है आपको? जी मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने नेशनल लेवल पे टॉप किया है। जी तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि मैंने वहाँ पे कॉम्पिटिशन के दिन मैं जो जिस दिन मेरा कॉम्पिटिशन था उस दिन मैं बहुत बीमार हो गया था, और जिस दिन मेरा शूटिंग का कॉम्पिटिशन था मैं वहाँ पे जिस टाइम रात को थी मैं, तो पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो मैं अपने टीचर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को इस मकाम तक पहुँचाया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अल्लाह का नाम शुरू लेकर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि शूटिंग में सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पास किया, तारिक सर का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी उन्होंने हमारे को यहाँ तक, उन्होंने हमारे टैलेंट को पहचाना तारिक सर ने, और उन्हें हमारे को जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे को डिस्ट्रिक्ट लेवल को ये पास करना था, तो उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल को पास किया, उसके बाद हमने ये स्टेट लेवल पे पास किया, उसके बाद हमारे को सिलेक्ट किया एमपी के लिए। तो एमपी हमने उज्जैन में दिया शूटिंग रेंज में, तो हमारे को रेंज में ले गए वहाँ पे ये शूट करने के लिए। अच्छा, तो जब आपने ये वहाँ पे टॉप किया जम्मू कश्मीर में की तरफ से आप टॉप आए, तो आपने अपने घर वालों को बोला, तो घर वाले क्या बोले? घर वाले बोलने लगे मुबारक है आपको, आप बहुत ये आगे जाओगे, खुशी का माहौल रह गया हमारे घर में, तो सब झूमने लग गए, तो मैं भी खुश था। अच्छा, मेरे में दिल में भी खुशी हुई कि मैंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, मैंने जम्मू कश्मीर में टॉप किया, ये जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। अच्छा मुझे बोलो, यहाँ पे तो ऐसी शूटिंग वगैरह बहुत कम होती है बदरवा में, तो आपने ये कहाँ सीखी? तो मेरे को बचपन से शौक था। अच्छा, शौक शूटिंग का? मैं बचपन से शूटिंग करता था, मैं जब कोई 5-6 साल का तब से मुझे राइफल्स का शौक था,
तो मेरे माँ बाप ने मेरे को राइफल्स ला के दी, तो मैं बचपन से शूटिंग करता था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे भद्रा में कोई शूटिंग रेंज नहीं है। मैं वहाँ पे खेलने गया, वहाँ पे बच्चों के साथ कोचेस थे, उनको जरा सा अगर टारगेट को मिस हो रहा था, उनके कोचेस उनको बता रहे थे बेटा वैसे ऐसे करो। अच्छा, तो मैं हमारे यहाँ पे बहुत अफसोस की बात है कि हमारे साथ कोई कोच नहीं है, यहाँ पे कोच नहीं है ना, यहाँ पे फैसिलिटीज है यहाँ पे। तो घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं? घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले सपोर्ट करते हैं हमारे, घर वालों ने बोला आप आगे भी इसी में खेलो, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ जो इसमें जो ओलंपिक्स में भी लोग जाते हैं, आपका है कुछ ऐसा इरादा? जी जी इंशाल्लाह ओलंपिक्स में जाने का मेरा ये ड्रीम है और मैं उस ड्रीम को पूरा भी करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, मम्मी करती है कि पापा करते हैं? पापा दोनों करते हैं। अच्छा, आपके दादा वो भी सपोर्ट करते हैं? पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। अभी आपको घर वालों ने क्या बोला जब ये आपने जीता? ये बोलते हैं कि आपने अगर करना है आगे तो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, घर वालों ने बोला मेरे को कि अगर आपको आगे जाना है बेटा हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, कोई कुछ भी आपको कोई भी गन चाहिए कोई भी सूट सूट चाहिए हम आपको लेकर दे देंगे, घर वालों को पूरा सपोर्ट है। चलो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि जो इसके साथ जितने भी वहाँ पे होते हैं नेशनल लेवल पे खेला जाता है सबके कोचेज होते हैं और गन्स जो होती है एक से बढ़कर एक, लेकिन एक भद्रवा एक रिमोट एरिया से एक बच्चा जाता है जिसका ना तो कोई कोच है, सिर्फ घरवाल ने इसको सपोर्ट किया, घरवाल ने इनको ये गन देख रहे हैं घरवाल ने लेके दी है और इसने जो है जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और टॉप भी किया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि जिस तरह से ये बोलते हैं कि मुझे घर वाले सपोर्ट करते हैं, अगर पेरेंट्स की इनको सपोर्ट है तो इंशाल्लाह हमें भी खुशी है कि इसको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये आगे जाएगा जैन और जो है देश के लिए खेलेगा और इंशाल्लाह ओलंपिक्स भी खेलेगा। चले, इनकी फैमिली से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका, तो क्या कहना चाहेंगे आपके पोते ने जो है इतना बड़ा कारनामा किया है? यकीन मानिए मैं इतना खुश हूँ खुशी से मेरे आंसू निकल गए। लेकिन छोटा सा बच्चा 13 साल की उम्र का, लेकिन इसको ये टैलेंट अल्लाह ने ही दिया है। मैं हैरान हूँ, ये जब इधर निशाने मारता था तो हम बोतल का ढक्कन क्या होता, छोटा सा ढक्कन, ये उसको टारगेट करके उसको मारता गिराता था ढक्कन को। मैंने कहा यार इतना है, ये पिछले साल सब ने डोडा में पास किया इसने ये क्लियर कर दिया, वहां पर भी टॉप रहा ये डोडा में। अच्छा, फिर इस साल गया ये जम्मू, वहां पर टॉप आ गया, तो हमें बहुत खुशी हुई। मैंने कहा अल्लाह तेरा अच्छा ही करे इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको कि ये आगे जाएगा बहुत जबरदस्त खेलेगा बहुत जाएगा। मुझे इसकी बहुत 100% श्योर हूँ मैं इस मसले में, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा। इसकी बदकिस्मती ये है कि जिस दिन इसको ये कंपटीशन था ये शूटिंग का, उस दिन ये रात को बीमार पड़ गया, टाइफाइड हो गया, इसको शिवरिंग इस कदर थी कि अब ये बोल रहा है हमें फोन करके मुझे शिवरिंग है, मैं कैसे करूंगा ये कंपटीशन, कैसे लड़ूंगा। तो हम इसकी माँ ने बहुत इसको एनकरेज किया, कहा नहीं ये तेरी जिंदगी का मसला है, आज ही तूने ये कुछ भी हो तूने आज ये क्लियर करना है ये शूटिंग। खैर ये गया और उसने क्लियर कर दिया, अल्लाह का फजल है कि इस अच्छे नंबरों से वहाँ पॉइंट्स सिस्टम नंबर पॉइंट्स इसने पॉइंट्स अच्छे लिए वहाँ पर बहुत, और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया इसने, डिस्ट्रिक्ट डोडा का नाम रोशन किया। इसके टीचर हमको मुबारकबाद देने लगे। अच्छा, मुझे तो अल्लाह इसको आगे बढ़ाएगा इंशाल्लाह रहमान। आपकी पूरी सपोर्ट है इसके साथ, होल 100 या 200%। जैसे इसने कहा कि जो गन होती है वहाँ पे तो बच्चों के पास 2-2 लाख की गन होती है, कोच होते हैं, अगर इसको आपको आगे भी डालना पड़े कहीं कोचिंग, सवाल ही नहीं। अब हम इसको अपना भी कोच लगा सकते हैं, नहीं देगी गवर्नमेंट हमें इस बात का दुख है कि जब बाकी स्टेटों के बच्चों के साथ कोचेज होते हैं वो उनको कदम कदम पर सिखाते ऐसे करो ऐसे करो, तो इसका कोई नहीं, इसको तो अल्लाह ही था जो इसको गाइड करता था। तो इसने इस हाल में भी इसने वहां पर टॉप किया। अब हम करते हैं अपील, गवर्नर से भी करते हैं अपील, एलजी से साहब से अपील करते हैं कि एक कोच रखा जाए इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में शूटिंग। अब जब हमारा ये बन रहा है प्रोग्राम, तो टैलेंट इतना है भद्रा में, बहुत चाहते हैं हम इस लाइन में जाएं। अच्छा, लेकिन कोचेस की कमी, हमें कोच नहीं मिल रहा सही कोच। अब इस बच्चे को अगर कोचिंग थोड़ी सी होगी ये बहुत आगे जाएगा, आपको है उम्मीद की ये आगे इंशाल्लाह करेगा। 13 साल की उम्र में अभी तो उसके अल्लाह उसको उम्र दराज है, अभी तो बहुत इसने आगे जाना है। मेरे साथ मौजूद है नसीर अहमद खान साहब, तो सर कैसा लग रहा है आपको आपके बच्चे ने इतना नाम रोशन किया जम्मू कश्मीर का, क्या कहना चाहिए? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे को
जब ये छोटा था 3-4 साल का, तो उसको इसमें बड़ा शौक था। तो फिर मैंने अपनी मिसेज को बोला, मैंने कहा इसके लिए एयर गन दे देंगे लेके, तो छोटी सी एयर गन दी लेके, 2-4 हजार की मिलती थी। तब से इसको बड़ा शौक था, तो तब से ये इसी लाइन में चला गया। अच्छा, तो अभी जो इसने जो है इतना नाम रोशन किया, तो क्या आपकी क्या उम्मीदें हैं इससे? मुझे अल्लाह का करम है कि इसको नेचुरल टैलेंट है, ये इंडिया के लिए खेलेगा, आगे ओलंपिक्स में भी जाएगा इंशाल्लाह ताला। पूरी उम्मीद है आपको, सपोर्ट भी आपकी पूरी 110%, क्योंकि यहाँ पे तो कोचेज नहीं है, अगर इसको कहीं बाहर भेजना पड़े। बदकिस्मती यही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोचेज नहीं है। बाहर ये बच्चा बोलने लगा कि हर स्टेट के कोचेज थे, उनको सिखाने वाले थे, तो मेरे बच्चे को नेचुरल टैलेंट था ये। अब मैं एलजी साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये राइफल शूटिंग का कोच होना चाहिए और पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। चलिए, उम्मीद है कि ये बच्चा आगे जाएगा और अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन करेगा। ये थे जैद खान, जिन्होंने जो है एयर राइफल शूटिंग में जो है जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और टॉप किया अंडर 17 कैटेगरी में। बहुत बड़ी बात है और इनके घर वालों को भी मुबारकबाद, और इसके साथ साथ पूरे भद्रवाह को, जिला डोडा को और जम्मू कश्मीर को मुबारकबाद। एक छोटे से लड़के ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, और इनके घर वालों की यही डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में और खासतौर जो है जिला डोडा में कोचेज होने चाहिए, ताकि ऐसे ऐसा टैलेंट जो है ये आगे जाएगा, देश के लिए जो है मेडल लाएगा, ओलंपिक्स में खेलेगा, देश का नाम रोशन करेगा। तो उम्मीद है कि इस लड़के के जो इस तरह से पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी आगे तक जाएगा और जो है अपना नाम तो कमाएगा, इसके साथ अपने घर वालों का नाम भी और देश का नाम भी रोशन करेगा। बहरहाल, ज्यादा न्यूज और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे नासिर कैश ऑफिशियल के साथ, भद्रवाह टीवी, जेकेसी न्यूज और यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज। भद्रवाह के नौबाबाद क्षेत्र में रहने वाले 13 वर्षीय मोहम्मद जैद खान पुत्र नसीर अहमद खान को उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित जम्मू कश्मीर द्वारा आम राइफल शूटिंग अंडर 17 में चुने जाने पर उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आम राइफल शूटिंग में टॉपर बन जाने पर उन्होंने अपने माता पिता का आभार प्रकट किया और बताया कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए खेलना है, तथा उन्होंने सरकार से संबंधित हर संभव सुविधाएं प्रदान करने की भी अपील की। नाम है मोहम्मद जैद खान। तो कहाँ पे आपने ये जो एयर शूटिंग की? और ये शूटिंग, जी हम शूटिंग करने एमपी गए थे, उज्जैन में हमने वहाँ पे शूटिंग की थी, शूटिंग रेंज में जाकर। अच्छा, तो क्या क्या आपको कमी लग रही है कि क्या क्या होना चाहिए आपके पास? और हमारे को बहुत अफसोस की बात है कि हमारे पास ना यहाँ पूरी फैसिलिटीज है, हमारे को यहाँ पे किट प्रोवाइड करने चाहिए थे यहाँ पे भद्रवाह में या पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, यहाँ पे हमारे साथ ना कोचेज है ना कुछ है, इस बात का बहुत अफसोस है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि यहाँ पे हमारे को किट दी जाए। तो जब मैं वहाँ पे खेल रहा था, वहाँ पे सारे जो जितने भी स्टूडेंट्स थे, केरला के, महाराष्ट्र के, ये कर्नाटका के, मतलब जितनी भी स्टेट्स के वहाँ पे ये थे बच्चे, तो वहाँ पे सबको किट्स लगी थी, वहाँ पे उनके कोचेस थे। अगर उनको जरा सा टारगेट में जरा ऊपर पड़ रहा था या फिर कहीं लेफ्ट राइट पड़ रहा था, मैं टारगेट के बाहर जा रहा था, उनको कोचेस उसी वक्त बोल रहे थे कि बेटा अभी ऐसे ऐसे करो। तो मेरे को बहुत अफसोस की बात है कि मेरे साथ कोई कोच नहीं था वहाँ पे, ना मेरे पास कोई किट थी, मैंने अपने टैलेंट से मारा है वहाँ पे। मैं यही कहना चाहता हूँ, वक्त जो आजकल जो है हमारा ये मसला है कि सर्दियां हैं, सर्दियों में इसने इतना इतनी मेहनत की, बाहर सर्दी होती थी और ये लड़का ये प्रैक्टिस करता था। जब ये वापस आया, इसने मुझे सुनाया कि वहां पर ऐसे ऐसे बच्चों के ऐसी ऐसी अच्छी ड्रेसें होती थी, होती हैं, तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि उन ड्रेसों के बारे में। तो हम चाहते हैं इनको अच्छी सी ड्रेस मिले जो हर मौसम में काम आए, सर्दियां हो या गर्मियां हो, इनको अच्छी ड्रेस मिले। और किट, खास करके इनको किट होना चाहिए, शूटिंग किट जो होता है वो काफी कॉस्टली होता है, वो 2 लाख के, 2 लाख से ऊपर की किट होती है। तो गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि इनको, इस लड़के को कम से कम किट मुहैया हो।
خطہ جناب بدرواس سے تعلق رکھنے والے 13 سالہ محمد زید خان والد نصیر احمد خان ساکن نور آباد چک بدروا نے بدروا اور جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے. ان کا انتخاب جموں کشمیر سے انڈر 17 کے لیے آرام رائفل شوٹنگ میں اجین مدھیہ پردیش میں ہوا تھا, جہاں انہوں نے آرام رائفل شوٹنگ میں پہلا مقام حاصل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والدین کے شکر گزار ہے جنہوں نے ہر وقت ان کا ساتھ دیا. سردیاں ہیں, سردیوں میں اس نے اتنی محنت کی, باہر سردی ہوتی تھی اور یہ لڑکا یہ پریکٹس کرتا تھا. جب یہ واپس آئے اس نے مجھے سنایا کہ وہاں پر ایسے ایسے بچوں کے ایسی ایسی اچھی ڈریسیں ہوتی ہیں تو ہم کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ان ڈریسوں کے بارے میں. تو ہم چاہتے ہیں ان کو اچھی سی ڈریس ملے جو ہر موسم میں کام آئے, سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں, ان کو اچھی ڈریس ملے. اور کٹ, خاص کر کے ان کو کٹ ہونا چاہیے. شوٹنگ کٹ جو ہوتا ہے وہ کافی کاسٹلی ہوتا ہے. ہم شوٹنگ کرنے ایم پی گئے تھے اجین میں, ہم نے وہاں پہ شوٹنگ کی تھی شوٹنگ رینج میں جا کر. ہمارے کو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس نہ یہاں پوری فیسلٹیز ہے, ہمارے کو یہاں پہ کٹ پرووائڈ کرنے چاہیے تھے یہاں پہ بھدرا میں یا پورے ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں. یہاں پہ ہمارے ساتھ نہ کوچز ہیں نہ کچھ ہے, اس بات کا بہت افسوس ہے. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے کو کٹ دی جائے. تو جب میں وہاں پہ کھیل رہا تھا, وہاں پہ سارے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے کیرلا کے, مہاراشٹرا کے, یہ کرناٹکا کے, مطلب جتنی بھی اسٹیٹس کے وہاں پہ یہ تھے بچے, تو وہاں پہ ان سب کو کٹس لگی تھی. وہاں پہ ان کے کوچز تھے, اگر ان کو ذرا سا ٹارگیٹ میں ذرا اوپر پڑ رہا تھا یا پھر کہیں لیفٹ رائٹ بڑھ رہا تھا, میں ٹارگیٹ کے باہر جا رہا تھا, ان کو کوچز اسی وقت بول رہے تھے کہ بیٹا ابھی ایسے ایسے کرو. تو میرے کو بہت افسوس کی بات ہے کہ میرے ساتھ کوئی کوچ نہیں تھا وہاں پہ, نہ میرے پاس کوئی کٹ تھی, میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مارا ہے وہاں پہ. یہ دیکھو کتنی خوبصورت روڈ لگ رہی ہے, سامنے پیارا سا مندر آ رہا ہے, چھوٹا سا بنایا ہے سائڈ میں, مگر بہت خوبصورت لگ رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیے, یہ آسمان آج زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا ہے. یہاں راستے پہ مکان ہے, روڈ پہ مکان, سمجھو مصیبت, ساری گردہ, ساری گند, سب کچھ اندر ہی آ جاتا ہے. مثلا لوگ اٹھے ہیں تو ہم آئے ڈوڈا سے بھی واپس, لوگ ابھی جاگ ہی رہے ہیں. یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا مندر بنایا ہوا ہے, وہ آسمان میں تھوڑی سی لائٹ دکھ رہی ہے کیونکہ آج بادل ہیں. آج ہم صبح صبح ڈوڈا گئے, اب ہم ڈوڈا سے واپس جا رہے ہیں بدروا کے لیے. واپس آ رہے ہیں تو میں نے سوچا تھوڑی سی ویڈیو بنا لیں آپ کے لیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ادھر بھی چھوٹا سا گاؤں ہے, یہ ہم سیری پہنچ گئے. سیری میں ابھی دکانیں تو بند ہی ہیں, صبح صبح دکانیں بند ہیں, ابھی تو لوگ سوئے, یہاں سردیاں ہوتی ہے تو لوگ دیر سے ہی جاگتے ہیں. سوچا ایک چائے کا کپ پئیں گے لیکن دکانیں تقریباً بند ہی ہیں ساری, تو چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہم بنتا ہے, کہیں دکان کھلی ہوگی تو پی لیں گے چائے. ویسے ہم چائے پی کے گئے تھے, ایسے انجوائے کے لیے راستے میں مزہ آتا ہے کہیں رک کے کچھ کھائیں. سیری کا اسکول ہے, یہ دیکھ لیجیے, یہ اسکول ہے سیری کا. اب ہم جا رہے ہیں بدروا کے لیے واپس.
अच्छा भी है, यहाँ का पानी मज़ेदार पानी है, ये यहीं से पानी लाते हैं, यहाँ से कहीं गए यहीं का पानी उठाते हैं। जो गुड्डू है अच्छा।
एक फाइव स्टार होटल बन रहा है कोटरवा में, जो कि अभी जम्मू में भी नहीं है फाइव स्टार होटल। बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, घूमने की प्यारी प्यारी जगहें हैं। जगहों के लिए जो रास्ता निकलता है तो दुमेल बोलते हैं। एक रास्ता जो है नीचे बाजार के लिए निकलता है, तो एक रास्ता है जो अटे के लिए निकलता है, ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता, दो रास्ते निकलते हैं ये दो जगहों के लिए, मिलते एक ही जगह पे है, तो दोनों रास्ता आगे एक ही जगह पे मिलता है। ये देखिए यहाँ पे दुम, यहाँ पे दुकानें बंद है क्योंकि सुबह का टाइम है, सब लोग अभी सोए हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है, रोड भी बड़ी खराब है, यहाँ पे पुलिस चौकी है। यहाँ पे ये दुमेल एक ये रास्ता है, एक ये नीचे वाला रास्ता है, एक ही ऊपर से एक वहाँ नीचे से रास्ता है। तो यहाँ पे दुमेल है, वो जो नीचे है वो सेरी बाजार के लिए रास्ता जाता है, हम निकले डंडी वाले रास्ते से, ये नीचे वाला रास्ता है जो बाजार के लिए जाता है। तो हमारा जो घर है उस साइड पड़ता नहीं है, हमारा घर इस साइड पड़ता है, तो हम ऊपर वाले रास्ते से निकले। कर लिया। ये
सुबह का सफर, तो हम अब पहुंच रहे हैं। तो गाइज आप हमें बता सकते हो आपको कैसी लगी ये हमारी वीडियो जो हमने डोडा से भदरवाह के लिए बनाई। तो ऐसे ही हम बनाते रहेंगे नई नई वीडियो, अगर नई नई जगहों पे जाएंगे हम बनाते रहेंगे वीडियो। तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।